जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला जारी, पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के 65 पोस्टों पर दागे मोर्टार। बीएसएफ के दो जवान, सांबा में आज दो महिलाओं की मौत। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब, 15 पाक जवानों के मारे जाने की खबर। भारत ने पाकिस्तान के 40 पोस्टों को बनाया निशाना, पाक रेंजर्स के दो अहम पोस्ट तबाह। गोलीबारी के चलते आरएसपुरा से भारतीय नागरिकों का पलायन, पिछले 3 दिनों से जारी गोलीबारी में 7 नागरिकों की हो चुकी है मौत, 50 से ज्यादा नागरिक हो चुके हैं घायल। सरहद पर गोलीबारी के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की थी बैठक, सीमा पर जारी तनाव पर हुई चर्चा। थल सेनाध्यक्ष जनरल सुहाग ने रक्षा मंत्री को दी ताजा हालात की जानकारी, रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का दिया निर्देश। सीजफायर उल्लंघन पर भारत का रुख कड़ा हुआ, फ्लैग मीटिंग से किया इनकार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के साथ आतंकी घुसपैठ की तैयारी, 6 से 8 के ग्रुप में घुसने की कोशिश। बीएसएफ के जवान जम्मू में कर रहे हैं कैंपिंग, सेना को किया गया अलर्ट। हमारी तरफ से रिटेलिएशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ क्या नुकसान हुआ इसका मुझे अंदाज नहीं, ये खबर आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से काफी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कठुआ में हीरानगर बॉर्डर पर भारी गोलीबारी, आधी रात के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जान बचाने के लिए लोग 8 से 10 मील तक पैदल भागे, स्कूल की बिल्डिंग में ले रखी है पनाह। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुड्डा सरकार पर साधा निशाना, कहा रैली में रुकावट डालने की हो रही है कोशिश। मैं हैरान हूं यहां के पुलिस वालों से, इतना दूर दूर पार्किंग क्यों किया है उन्होंने, पता नहीं सरकार के इशारे से चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। भीड़ देखकर गदगद हुए मोदी, बोले लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं देखी इतनी भीड़। कि मैं खुद लड़ता था तब तो आधी आती थी भीड़, और आज ये इतनी 2 गुना 3 गुना भीड़ को देख करके मैं चकित हो जा रहा हूं। महेंद्रगढ़ के बाद रोहतक पहुंचे नरेंद्र मोदी, सोनीपत और जगाधारी में भी बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। ओम प्रकाश चौटाला का हुड्डा के खिलाफ धुआंधार प्रचार, कहा इस बार हार है तय। मुझे ये शक पैदा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में पैदा हुए हैं, किसी और प्रदेश में पैदा। उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, तो जितनी ऊंची गालियां देंगे हमें तो उसका लाभ मिलेगा। उनको नसीहत नहीं दे रहा, लेकिन उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना। ओम प्रकाश चौटाला ने सोनीपत में पीएम मोदी पर किया पलटवार, कहा मोदी का फोटो दिखाकर वोट मांगने की नौबत तो समझो हो गया सत्यानाश। मेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, अरे नरेंद्र सिंह मोदी, हमारे चेहरे की चमक अब तक बरकरार है, हमें किसी की। हुड्डा के जेल में कैबिनेट चलाने वाले बयान पर बोले चौटाला, कहा मैंने पहले कुरुक्षेत्र से ली थी शपथ, तो क्या कुरुक्षेत्र से चलाई थी कैबिनेट। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना, शिवसेना के मंत्री के इस्तीफा नहीं देने पर सवाल। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में नितिन गडकरी चुनाव आयोग को सौंपेंगे जवाब, आज आखिरी तारीख। केरल प्रदेश कांग्रेस की बैठक आज, शशि थरूर के मामले पर किया जाएगा विचार। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में आज अहम दिन, हरियाणा सरकार की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में ई रिक्शा मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, आज आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर करेंगे संबोधन। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मोदी शुरू करने जा रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना, योजना के तहत सांसदों को एक गांव लेना होगा गोद। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को भेजा गया न्योता, अपना और अपनी पत्नी के गांव को गोद लेने पर पाबंदी। राज्यसभा सांसद जिन राज्यों से चुनकर आए हैं वहां का गांव ले सकते हैं गोद, मार्च 2019 तक हर सांसद तैयार करेगा 2 आदर्श ग्राम।
सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अब लगाम लगाने की पूरी तैयारी। बायोमेट्रिक मशीन में आधार नंबर और उंगली का निशान लगाने से लगेगी हाजिरी। सरकार ने attendance.gov.in नाम से लॉन्च की वेबसाइट, जनता भी देख सकती है सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी का लेखा जोखा। मुलायम सिंह यादव ने बोला मोदी पर हमला, सीमा पर गोलीबारी पर बोले कहां है 56 इंच का सीना। एक कानून की बातें बहुत करते हैं, आज लिखा गया कल अखबार में, जो कर देते हैं वो बसते नहीं, जो जनता की कहावत है वो सही है। एसपी के अधिवेशन में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी पहुंचे, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर रखेंगे अपना नजरिया। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन सी सेट नहीं हटा। भारतीय भाषाओं का, हिंदी भाषा का नहीं, भारतीय भाषाओं का एक खिड़की खुली थी, उसको भी आपने बंद कर दिया भाई नरेंद्र मोदी जी। पहले आप कह रहे थे हाँ हाँ, और बाद में आप पलट गए। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम सिंह को फिर से चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार 9वीं बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं मुलायम। गुजरात बीजेपी और सरकार में पसरा सन्नाटा, राज्य सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री जुटे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व और राज्य सरकार के मिनिस्टर भी महाराष्ट्र अलग अलग सीटों पर दिए गए, करीब करीब 70 सीट जहां गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करने वाले हैं। महाराष्ट्र पहुंचे गुजरात के 1500 एसआरपीएफ जवान, 15 अक्टूबर यानी मतदान तक रहेंगे मुंबई में। नदियों में फैक्ट्रियों के कचरे पर सैटेलाइट से रखी जाएगी निगरानी, आज सरकार के कई मंत्रालय बड़े औद्योगिक घरानों के साथ करेंगे बैठक। जैसा साधु संत कहेंगे, क्योंकि ये बात आस्थावादी लोगों की होती है, वो लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अंबाला में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने एक कार से बरामद किए 6.5 लाख रुपए, साथ में कांग्रेसी उम्मीदवार हिम्मत सिंह के पोस्टर भी थे मौजूद। 6.5 लाख रुपया रिकवर किया है, चेकिंग के दौरान हमने यहाँ पे सेक्टर 10 और चिलबेड़ा रोड के ऊपर जो है यहाँ पे हमने पुलिस चेक पोस्ट लगाया हुआ। गाड़ी में बैनर्स वगैरह तो थे, झंडे थे कुछ कांग्रेस पार्टी के। जयललिता को बेंगलोर हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के केस में निचली अदालत ने दी थी 4 साल की सजा। बेंगलोर हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने नहीं किया था जमानत का विरोध, लिहाजा समर्थकों को थी जमानत की उम्मीद, खुशी में मिठाई बांट रहे थे समर्थक। जमानत नहीं मिलने पर बेकाबू हुआ समर्थकों का गुस्सा, चेन्नई के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। अगले साल फरवरी में होगी 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी, टेलीकॉम मंत्रालय ने ट्राई से मांगे सुझाव। 2G घोटाले से कांग्रेस की हुई थी फजीहत, फूक फूक कर कदम रख रही है मोदी सरकार, 3G की नीलामी पर खुद नजर रखेंगे मोदी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत की विकास दर फिर 5% से ज्यादा रहने का अनुमान, कहा 18 से आगे बढ़ चुका है भारत। मुंबई के चर्चगेट पर अनिल अंबानी ने लगाई झाड़ू, मोदी के स्वच्छता अभियान के नवरत्नों में से एक। अनिल अंबानी ने अभियान के लिए चुने जाने पर मोदी को कहा शुक्रिया, लोगों से आगे जाने की अपील। पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मामले में ओपन कोर्ट में कार्रवाई शुरू, पीएमसीएच अस्पताल में हुई लापरवाही के चलते सुप्रिंटेंडेंट सस्पेंड। बिहार मानवाधिकार आयोग ने गांधी मैदान हादसे को खुद से संज्ञान में लिया, चीफ सेक्रेटरी को भेजा नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली के मयूर विहार में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, बेसबॉल से मारकर ली जान। पति विनोद के शराब पीने का विरोध करती थी प्रियंका, गुस्से में बेसबॉल से किया वार। हत्या के बाद घर से फरार हुआ आरोपी पति, हत्या का केस दर्ज। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में दिनदहाड़े कैश वैन में लूट, बदमाश 23 लाख रुपए लेकर फरार।
गार्ड और ड्राइवर समेत वैन में कुल 5 कर्मचारी, 2 लोगों ने शुरू किया झगड़ा और बाकी लोग पैसे ले उड़े। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ढूंढेगी सुराग। दक्षिणी दिल्ली के कैपिटल कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर बुजुर्ग ने दी जान। बुजुर्ग का नाम रविंद्र भूषण, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। आईआईटी दिल्ली के एमटेक के छात्र आंचल भारद्वाज की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी, परिवार वालों को हत्या का शक। 3 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन अपनी बुआ के लड़के के घर गया आंचल, यहीं 8वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। दिल्ली के लोनी इलाके में 5 दिन से गुम बच्ची का मिला शव, घर के बाहर खेलते वक्त हुई थी अगवा। सीसीटीवी फुटेज में अगवा करने वाले की तस्वीर दिखने के बावजूद नहीं बच सकी महक की जान, गली में 40 मिनट घूम रहा था बदमाश। बच्चे की तस्वीर कैमरे में दिया था, दिखाई भी, क्या कहती, मैंने फोटो वोटो दिखाया था, सब लिए फोटो वोटो सारे लिए हुए, इंटरनेट रोल वोल दिए थे, मगर कोई पता नहीं चला। नोएडा के सेक्टर 58 से 1.5 साल का अभिनव घर के सामने से लापता, 3 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की FIR, बच्चे का अब तक कोई पता नहीं। मैंने कहा जब उसके डैडी आ जाएंगे तो हम लोग अंदर साथ साथ खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन फिर मैं सोची कि जब वो खुले बदन है तो मैं कपड़े उसको पहना देती हूँ, मैं कपड़े लेने अंदर के, और बाहर आए तो हम लोग खुशी खुशी अंदर नहीं जा पाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 शूटर समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ की सुपारी लेकर व्यापारियों की हत्या का आरोप। गोदावरी जिले में 24 सितंबर को 3 व्यापारियों की हुई थी हत्या, गिरफ्तार में आए आरोपियों को गोविंद गेंगू गैंग ने दी थी सुपारी। मुजफ्फरनगर में थाना बुल्ढाना कोतवाली में पुलिस के सामने भिड़ गए 2 पक्ष, 1 नौजवान की हालत गंभीर। असम के तेजपुर में CRPF के जवानों को अगवा करने की कोशिश, टाटा इंडिका में सवार थे 2 उग्रवादी। जवानों ने एक जगह कार रुकने पर मचाया शोर, स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया एक बदमाश। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में रन टुडे इनिशिएटिव के तहत सम्मेलन का आयोजन, शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बहस। आयोजन में 100 से भी ज्यादा स्कूलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, कई IT कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। स्कूलों को सॉफ्टवेयर के जरिए वक्त बचाने की दी गई सीख, बच्चों की शिक्षा में तकनीक को बताया कारगर। सूरत में एक स्कूल में HIV पीड़ित 26 छात्रों के दाखिले के बाद छात्रों में लगी स्कूल छोड़ने की होड़, साल भर में 200 से ज्यादा छात्रों ने छोड़ा स्कूल। एक समाजसेवी संस्था ने स्कूल में HIV पीड़ित छात्रों को दिलाया था दाखिला, भेदभाव नहीं करने की अपील पर असर नहीं।